हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड पेनल्टीज के बारे में। जीएसटी के सेक्शन 122 में जीएसटी से रिलेटेड कई तरह की पेनल्टीज हैं जो अलग अलग ऑफेंसेस और रीजंस के हिसाब से बनाई गई हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं और किस तरह की पेनल्टीज हो सकती है, उनका क्या अमाउंट है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जीएसटी की पेनल्टीज को हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो जीएसटी रिटर्न, अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं टाइमली तो उसके लिए पेनल्टी है। एक, आप कुछ बेसिक जो जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं करते, लाइक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, या आप कुछ फ्रॉड करते हैं, गलतियां करते हैं टैक्स देने में, टैक्स जमा नहीं कराते हैं टाइम पर, या फिर आप जो है गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, तो इस तरह की पेनल्टीज के लिए अलग कॉन्सेप्ट है या अलग अमाउंट तय किया गया है। और अगर आप जीएसटी एक्ट के रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते हैं या उनके अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो उस केस में पेनल्टी अलग है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, मींस अगर आप जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। तो जीएसटी रिटर्न अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो उसके लिए जो पेनल्टी है वो 100 रुपीज पर डे की है। जी हाँ, पर डे आपको 100 रुपए पेनल्टी देनी होगी। और ये पेनल्टी कब तक रहेगी, जब तक कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते हैं, मतलब जितने दिन आपने डिले किया है उतने दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आप 100 रुपीज लगा सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पेनल्टी है इसका मैक्सिमम अमाउंट 5000 होगा। मींस अगर आपकी पेनल्टी 5000 की भी क्रॉस कर गई है तो मैक्सिमम पेनल्टी आपकी 5000 ही लगेगी, इससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगती। अब अगर ये पेनल्टी जो मैं बात कर रहा हूँ 100 रुपीज़ वाली, ये तब है, या 5000 का जो अमाउंट है ये तब है जब आपका टैक्स बनता है और आपके कहीं ना कहीं कुछ परचेजेज हैं, कुछ सेल्स हैं, कुछ इनपुट सर्विसेज आउटपुट सर्विसेज आपके हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ये पेनल्टी के प्रोविजन हैं, ये अमाउंट तय किए गए हैं। इन केस अगर आपके निल रिटर्न है, निल रिटर्न का मतलब आपके यहाँ कोई इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं है या आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं है, मीन्स आपने कोई जीएसटी में कोई लेन देन नहीं किया, कोई परचेज सेल नहीं करी, आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा रखा है और अभी तक आपका कोई बिजनेस नहीं हुआ है, या किसी मंथ आपका कोई बिजनेस नहीं हुआ है, या किसी क्वार्टर में आपका कोई बिजनेस नहीं हुआ है, तो उस केस में आप अगर जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि जीएसटी रिटर्न फाइल करना उस केस में भी कंपलसरी है जब आपका कोई बिजनेस नहीं हो रहा। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो रिटर्न फाइल करना तो आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे आपका बिजनेस ना हो। अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई सेल नहीं हो रही है, कोई परचेज नहीं हो रही है, तो आप निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इन केस अगर आप निल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो पेनल्टी का अमाउंट अलग है। पेनल्टी उस केस में होगी 20 रुपीज पर डे और वो मैक्सिमम जाएगी 500 तक, मींस 500 मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। और 20 रुपीज पर डे जिसमें 10 रुपीज CGST और 10 रुपीज SGST के टैक्स के हिसाब से पेनल्टी ली जाती है। अगर आप पेनल्टी देने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक हैबिट बन जाता है, आप टाइमली फाइल करते ही नहीं है, तो फिर आपका उस केस में GST रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है बाय द प्रॉपर GST ऑफिसर। अब बात करते हैं 10,000 वाले स्लैब की, जहां पेनल्टी का अमाउंट 10,000 होता है। पेनल्टी का अमाउंट 10,000 उन केसेस में होता है जहां आप रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन उसके अलावा कोई और ऑफेंस होता है, जहां आप टैक्स अवेट करते हैं, टैक्स अवेट करने वाला टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स गलत कैलकुलेट करते हैं, इनवॉइस गलत इशू करते हैं, या फिर आप जो है टैक्स जमा नहीं कराते हैं, तो इस केस में 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। ये 10,000 तक की जो पेनल्टी है, ये 10,000 तो मिनिमम अमाउंट है, मींस आपका जो टैक्स अवेट किया है आपने, या फिर 10,000 रुपये, विच एवर इज हायर, मींस अगर मान लीजिए आपने 10,000 से ज़्यादा की टैक्स चोरी करी है, चाहे वो आपने इनवॉइस इशू नहीं करके करी हो, चाहे आपने गलत क्रेडिट लेके करी हो, किसी भी केस में अगर सपोज आपने 20,000 की टैक्स की चोरी करी है तो 20,000 और 10,000 तो मिनिमम है, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, मीन्स उस केस में 20,000 की पेनल्टी आपके ऊपर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 10,000 की लिमिट मिनिमम अमाउंट है पेनल्टी का। अब वो क्या केसेस हैं जहाँ पर ये 10,000 वाला मिनिमम क्राइटेरिया या फिर टैक्स का अमाउंट का जो क्राइटेरिया है, विच एवर इज हायर वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं और उस गुड्स या सर्विस को आप बिना टैक्स इनवॉइस के सप्लाई कर देते हैं, मीन्स आप इनवॉइस नहीं देते हैं सामने वाले को, या इनवॉइस आप बनाते ही नहीं हैं, या उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उस केस में आपके ऊपर ये पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। या फिर आप इनवॉइस इशू करते हैं लेकिन वो इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस है, गलत इनवॉइस है, तो भी आपके ऊपर ये पेनल्टी एप्लीकेबल है। इसी तरह आप इनवॉइस इशू करते हैं विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मींस आपने बिना गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करे ही इनवॉइस जारी कर दी, इशू कर दी, तो पहला केस तो हमारा था जहां आपने गुड्स या सर्विस इशू सप्लाई करी थी बट आपने इनवॉइस इशू नहीं करी, और सेकंड केस हमारा है जहां पर आपने गुड्स एंड सप्लाई सर्विस का सप्लाई ही नहीं किया लेकिन आपने इनवॉइस इशू कर दी, तो उस केस में भी ये पेनल्टी एप्लीकेबल है। इसी तरह आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से टैक्स लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते हैं, और ये टाइम पीरियड आपका 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है टैक्स को जमा ना कराते हुए, तो वहाँ ये पेनल्टी 10,000 से ज़्यादा जो है आपकी लग सकती है। अगर टैक्स का अमाउंट 10,000
से ज्यादा है तो फिर टैक्स के अमाउंट के बराबर पेनल्टी लगेगी। इसी तरह अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं गलत तरीके से, मीन ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते हैं, तो उस केस में भी आपके ऊपर ये पेनल्टी एप्लीकेबल है। इसी तरह जहां आपका टीडीएस डिडक्ट करना था आपको जीएसटी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो वहां पर भी ये पेनल्टी लगती है। आपको पता होना चाहिए 250,000 से ज्यादा की अगर इनवॉइस का अमाउंट है या टैक्सेबल सप्लाई है तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी होता है। इसके बाद बात करें अगर आपने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप मतलब जानते होंगे कि जो हम आउटपुट टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं उसमें से हमने जो इनपुट टैक्स पे कर दिया है परचेस के समय गुड्स या सर्विस के, तो हम लोग उसको क्लेम कर सकते हैं, उसकी क्रेडिट ले सकते हैं, तो वो टैक्स आपको पे नहीं करना होता, रिमेनिंग टैक्स ही आपको पे करना होता है। लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से ले रहे हैं या जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे इनपुट नहीं मिलता है उन पे भी आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर 10,000 तक की या उससे ज्यादा की पेनल्टी लग सकती है। इसी तरह आप गलत तरीके से रिफंड लेते हैं टैक्स का फ्रॉडली, या आप इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस केस में, या फिर आप गलत बुक्स ऑफ अकाउंट्स या गलत डॉक्यूमेंट्स फर्निश करते हैं बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर, या आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन या रिटर्न फाइल करते हैं, उस केस में भी जो है ये पेनल्टी आपके लगेगी। इसके बाद बात करें जीएसटी नॉन रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी के बारे में। मींस अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं बट आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो पहले मैं आपको बता दूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल कब होते हैं, जब आपके गुड्स का जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसका अमाउंट, उसका टर्नओवर साल भर में 40 लाख को क्रॉस कर जाता है। और इसी तरह अगर आप बात करें सर्विसेज के लिए, तो सर्विसेज के केस में आपका टर्नओवर जो अमाउंट है सर्विसेज का पूरे साल में अगर 20 लाख को क्रॉस कर जाता है, तो वहाँ उस केस में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के केस में ये लिमिट अलग है, लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर आप नहीं करवाते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी का अमाउंट अगेन सेम है, मीन्स 10,000 या फिर जितने रुपए का टैक्स आपने अवेट किया है, कम दिया है या नहीं दिया है, चुराया है, तो उतने रुपए का अमाउंट, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उतने की पेनल्टी लगेगी। मतलब 10,000 तो पेनल्टी लगना तय है। इसलिए अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हैं तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अदरवाइज आपके ऊपर ये पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं जिसके लिए कोई स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जैसे ई वे बिल वगैरह रिक्वायर्ड था, बट आपने वो कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिया बिना किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के, तो वहाँ पर भी 10,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। इसी तरह आप गलत तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या गलत डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उस केस में भी आपके ऊपर ये पेनल्टी एप्लीकेबल है। आप कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, और आप उस इन्फॉर्मेशन को या डॉक्यूमेंट को फर्निश नहीं कर पाते हैं प्रॉपर ऑफिसर के सामने, तो उस केस में भी पेनल्टी एप्लीकेबल है। इसी तरह आप इस तरह का कोई गुड्स जो कि कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, मीन्स उसे जब्त किया जाना है और उस गुड्स को आप सप्लाई कर देते हैं, बेच देते हैं, तो उस केस में भी आपके ऊपर ये पेनल्टी एप्लीकेबल है। आप गलत इनवॉइस इशू कर देते हैं या फिर आप किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके इनवॉइस इशू कर देते हैं, आपने खुद का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला, तो उस केस में भी आपके ऊपर ये पेनल्टी एप्लीकेबल है। तो ये थे केसेस जहां पर आपकी पेनल्टी का अमाउंट 10,000 रुपीज होगा। मैं आपको बता दूं ये पेनल्टी 25,000 तक भी चल जाएगी अगर आपने यहाँ लॉ के प्रोविजन जो जीएसटी एक्ट के प्रोविजन है उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया है, कॉन्ट्रावेंशन में गए हैं आप, उनको आपने तोड़ा है, उनको फॉलो नहीं किया है, तो उस केस में आपकी ये पेनल्टी 25,000 तक भी जा सकती है। जैसे आपके पास पोजीशन में कोई ऐसा गुड्स है जो कि कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है और आप उस गुड्स को रिमूव कर देते हो, छुपा देते हो, सप्लाई कर देते हो, और या फिर आप ट्रांसपोर्ट कर देते हो, तो ऐसे गुड्स को या ऐसे गुड्स के केस में, ऐसी केसेस में पेनल्टी का अमाउंट 25,000 रुपये होगा। इसी तरह आप इस तरह का गुड्स रिसीव करते हो, लेते भी हो, जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ है, तो वहाँ पर भी आप कुल मिलाकर 25,000 की पेनल्टी देने के लिए लायबल हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपको प्रॉपर ऑफिसर ने बुलाया है, किसी कोई समन आपके खिलाफ जारी हुआ है, कोई नोटिस आपको आया है जहाँ आपको प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होना था और आप प्रेजेंट नहीं होते हैं टाइमली, तो उस केस में भी 25,000 की पेनल्टी है। इसी तरह आप कोई इनवॉइस रिकॉर्ड ही नहीं करते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ताकि आप टैक्स ना दे पाएं या टैक्स देने से बच जाएं, तो उस केस में भी 25,000 की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अब बात करें क्या ये पेनल्टी जो हमने 10,000 वाला केस पढ़ा था, क्या ये पेनल्टी कम हो सकती है? तो ये जो पेनल्टी है, मैंने आपको जैसे बताया था कि 10,000 की पेनल्टी लगती है और पेनल्टी को कम किया जा सकता है अप टू 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट। पेनल्टी कैन बी लेविड फॉर द अबोव ऑफेंसेस जो हमने पढ़े अब तक एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखें
अगर टैक्स का अमाउंट, और मैंने बताया था अभी आपको पेनल्टी का अमाउंट जो होगा वो टैक्स का अमाउंट या 10,000 विच एवर इज हायर होगा, लेकिन अगर आपका टैक्स अमाउंट बहुत ज्यादा है तो पेनल्टी का अमाउंट टैक्स के 10% तक ही एप्लीकेबल होगा। मींस जितना टैक्स बनता था उसका 10% ही आपकी पेनल्टी लगेगी, लेकिन वो 10% का अमाउंट जो टैक्स के 10% का अमाउंट है वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10,000 तो मिनिमम पेनल्टी है, वो तो आपके लगने ही लगनी है। ठीक है, तो ये थी नॉलेज, ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएसटी पेनल्टीज। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।